हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और आज हम क्लास एट्थ का ग्रामर टॉपिक सेंटेंस रीऑर्डरिंग पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, उसमें हमने कुछ रूल्स डिस्कस कर लिए थे, कुछ 7 रूल्स हमने पढ़ लिए थे, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है, या WH वर्ड वाले जो आते हैं ना, क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, सेंटेंस के क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे, और अगर एडजेक्टिव आते हैं 1 या मोर देन दैट तो हम उसको अरेंज कैसे करेंगे सेंटेंस में। तो ये हमने कुछ रूल्स उनके पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 8th वन, वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट्स। ऐसे वर्ब्स जिनके क्या होंगे, डबल ऑब्जेक्ट होंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो उनको हम कैसे अरेंज करेंगे। इफ़ हियर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल सेंटेंस, दे आर पुट इन द फॉलोइंग पैटर्न। अगर क्या होता है, एक सिंगल सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इनको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें वर्ब लिखना है, फिर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए एग्जाम्पल है, शी गेव, शी तो हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब है, मी यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ बुक ये हमारी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही शॉट यू अ टाइगर, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए नोट क्या है, 2, 4 इज यूज बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में 2 और 4 जो है किसके पहले यूज होंगे, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले। इफ़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज पुट बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने इनडायरेक्ट से पहले रख लिया, ऊपर वाले में तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट को पहले रख लिया फिर डायरेक्ट को रख रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसको पहले रख दिया, इसको बाद में रखा है, तो आप 2 और 4 का यूज़ करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, शी बुकड अ सीट, क्या किया है, सीट, ये डायरेक्ट वो होंगे ना जिनकी हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली, और बीच में अगर हम कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट मी जो है वो बाद में लिखा है, तो 4 इसमें हमने लगाया है, तो शी बुकड अ सीट फॉर मी, वी गेव अ डॉल टू हर। तो इस तरीके से ये 2 रूल आपको ध्यान रखने हैं वर्ब से, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अब यहाँ देखिए, यूज़ ऑफ इट एज सब्जेक्ट, इट अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा तो कैसे होगा, इट इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट एज सब्स्टिट्यूट ऑफ इनिशिएटिव, इन्फिनिटिव है ना, इन्फिनिटिव है, इट इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट एज सब्स्टिट्यूट ऑफ इन्फिनिटिव। देखिए एग्जांपल है, टू मेक फन ऑफ अदर्स इज़ ईजी, है ना, ये सेंटेंस है, फिर इसको देखिए, इसमें इट सब्जेक्ट डाला है, इट इज़ ईजी टू मेक फन ऑफ अदर्स। इट इज़ यूज टू गिव स्ट्रेस, स्ट्रेस देने के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं, आई मेट हरी, है ना, इट वॉज आई हु मेट हरी। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, आपने सिंपल सा बोल दिया आई मेट हरी, लेकिन आप इसी सेंटेंस को अगर इस वे में बोल रहे हैं, इट वॉज आई हु मेट हरी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटेंस में थोड़ा स्ट्रेस जा रहा है, तो सेंटेंस में स्ट्रेस देने के लिए भी आप क्या करेंगे, इट का यूज़ करेंगे एज ए सब्जेक्ट। अब यूज़ ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स का हम कैसे यूज़ करते हैं, एडवर्ब्स का यूज़ करने के लिए हमें देखिए कुछ दे रखा है। फर्स्ट है, कॉमनली एडवर्ब्स आर पुट आफ्टर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एडवर्ब जो है क्या रखी जाती है, बाद में रखी जाती है वर्ब और ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी इंजॉयड डांसिंग वेरी मच। अब यहाँ देखिए हमारा जो एडवर्ब है वो कहाँ रखा गया है, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है इसके बीच में, वेरी, है ना, इस तरह इसमें देखिए, ही सैंग द सॉन्ग स्वीटली, स्वीटली यहाँ पर जो है हमारा सॉन्ग स्वीटली, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, फिर हमारा क्या आया, वर्ब के बाद में इन्होंने क्या रखा है, एडवर्ब रखा है और फिर इसमें ऑब्जेक्ट रखा है ना, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस में तो डायरेक्ट एडवर्ब ही होगा, तो स्वीटली यहाँ पर इस तरीके से रखा है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग एडवर्ब्स आर जनरली यूज आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, और कुछ एडवर्ब ऐसी होती हैं जो क्या होगी, कब यूज़ होगी, फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके आफ्टर में यूज़ होगी, है ना, फॉलोइंग एडवर्ब्स आर जनरली यूज आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। अब कौन कौन सी है, जैसे स्टिल, जस्ट, ऑलरेडी, येट,
ऑलवेज ऑफन रेयरली समटाइम जनरली फ्रिक्वेंटली यूजली ओनली लिटिल, इन सब का यूज जो है वो क्या होगा एज ए एडवर्ब कब होगा, हेल्पिंग वर्ब से बाद में। जैसे वी आर स्टिल, आर जो थी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में स्टिल आया प्लेइंग, वी आर स्टिल प्लेइंग, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। ज़रूरी नहीं है अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना अगर सेंटेंस में तो आप डायरेक्ट क्या लगा लेंगे, इस एडवर्ब को लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर ही ऑलवेज टेल्स अ लाई लिखा हुआ है तो आपने डायरेक्ट क्या लगा ली है, यहाँ पर एडवर्ब ही लगा ली है। नेक्स्ट देखिए, इफ देर आर मेनी एडवर्ब्स इन द सेंटेंस देयर सीक्वेंस विल बी, अगर एक से ज़्यादा, जैसे कि हमने एडजेक्टिव पढ़ा था एक से ज़्यादा होता है तो कैसे अरेंज करना है, वैसे ही अगर एडवर्ब भी एक से ज़्यादा है तो आप उनको कैसे अरेंज करेंगे, मैनर प्लेस और टाइम, है ना। एडवर्ब रखने के क्या है, पहले तो आप मैनर को, फिर प्लेस अगर आ रही है या टाइम आ रहा है तो उसको अरेंज करेंगे, है ना। हाउ, वेयर और वेन, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये मैनर कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू पैरिस ऑन संडे, है ना। यहाँ देखिए, पहले हमने प्लेस रखा है फिर हमने टाइम रखा है ना। ये दोनों ही एडवर्ब को हमने यूज़ कैसे किया है, पहले हमने क्या पैरिस रखा है फिर हमने टाइम रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ब का हम कैसे यूज़ करेंगे, पहले हमें मैनर फिर प्लेस और फिर टाइम रखना है। तो आई एम गोइंग टू पैरिस ऑन संडे, आई स्टडी हार्ड, हार्ड यहाँ पर देखिए मैनर वाला है, एट होम प्लेस है, डेली टाइम है। तो इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले आप मैनर को रखेंगे, फिर अगर प्लेस आ रही है सेंटेंस में तो प्लेस को रखेंगे, फिर अगर टाइमिंग दे रखा है तो आप टाइमिंग को रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ़ देर आर मोर देन वन एडवर्ब एक्सप्रेसिंग टाइम प्लेस दे आर पुट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर एक से ज़्यादा टाइम और प्लेस आ रहे हैं, यानी दो प्लेस आ रहे हैं या दो टाइम आ रहा है एक सेंटेंस में, तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाएगा। जैसे कि सेंटेंस देखिए बढ़ते विक्रम है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाएगा। ही हैज़ रीच्ड हियर एट 10 इन द मॉर्निंग टुडे, यहाँ देखिए 10 टाइम शो करना है, मॉर्निंग टुडे भी टाइम शो करना है, तो पहले आपने इसको 10 को लिखा है फिर मॉर्निंग टुडे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। फिर देखिए, इन पैसिव वॉइस द एडवर्ब इज ऑफ मैनर इज जनरली पुट आफ्टर जस्ट बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, अब अगर पैसिव वॉइस है तो उसमें जो मैनर वाला जो एडवर्ब है उसको कहाँ रखा जाएगा, पुट बिफोर, किसके पहले रखा जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब से पहले रखा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ही इज़ हाईली, हाईली हमारा क्या है यहाँ पर मैनर वाला एडवर्ब है, रिस्पेक्टेड ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से पहले हमने इसका यूज़ किया। यहाँ पर भी अंडरस्टूड से पहले हमने, जो थर्ड फॉर्म है अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टूड से पहले हम क्लियरली एडवर्ब का यूज़ किया है। लास्ट देखिए, इन इम्परेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज़ नॉट गिवन, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस में हमने पहले भी पढ़ा है, सेंटेंस में यू जो होता है वो हिडन होता है ना। दिस सेंटेंस बिगिन विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और यूजिंग डोंट वाइल फॉरबिडिंग सम एक्शंस, तो इनका जो बिगिन होता है वो कैसे होता है, ये स्टार्ट किससे होते हैं, मेन वर्ब से ही स्टार्ट हो जाते हैं, और यूजिंग डोंट वाइल फॉरबिडिंग सम एक्शंस, है ना, या फिर आप डोंट यूज़ करेंगे इनको इनके स्टार्टिंग में। जैसे कि देखिए, कम ये फर्स्ट फॉर्म है ना वर्ब की, कम एंड सी मी टुमारो, यहाँ पे देखिए डोंट यूज़ किया, डोंट प्ले और रन इन द सन। तो इस तरीके से ये कुछ रूल हमने देखे हैं, 11 रूल सेंटेंस फॉर्म करने के, और हम नेक्स्ट देखेंगे अगली क्लास में, आप इसके एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा।